संदीप घोष चला रहे, इसको तोड़ना एक्सपोज करना जरूरी है। करप्शन के अगेंस्ट में, उनके मैल प्रैक्टिस के अगेंस्ट में, फिनेंशियल लिटिगेशन और कुछ स्कैम था जिसके अगेंस्ट में मैंने कंप्लेन लगाया था। आज मैंने हाई कोर्ट में केस भी फाइल किया है, क्रिमिनल केस किया है, वो केस रजिस्टर हो गया और उसका वो कल एडमिशन हियरिंग है। तो ये देखते हैं, फिर हाई कोर्ट से मैंने अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी अपील किया है क्योंकि मुझे भी धमकियां आ रही हैं और ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा नेक्सस है संदीप घोष का, जिसको मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ। ये बहुत सारे जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का, जैसे डेड बॉडी का, जैसे टेंडर दे करके कमीशन लेना, छात्रों को फेल कराना, फेल करके पैसे लेना, और जैसे इलीगल जो स्टॉल कियोस्क है, ये सब बिना गैर टेंडर वगैरह के रेंट पे देना, तो इस तरह का बहुत सारा इरेगुलरिटीज है, उसमें डेड बॉडी भी एक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी हो ऊंचे लेवल में और उनको सज़ा मिले और उनका ये रैकेट जो है इसका पर्दाफाश हो। देखिए, ये कुछ डेड बॉडी जो है बगैर पेशेंट पार्टी के, मर्जी के, कंसेंट के और फॉरेंसिक मेडिसिन के HOD के, बिना नॉलेज के ये वर्कशॉप में दे दिए थे। तो इसके अगेंस्ट में एक इंक्वायरी कमेटी हुई थी, नेशनल कमीशन में कंप्लेन भी हुई थी, हाई कोर्ट में भी PIL हुआ था जी। डिपार्टमेंट ने कोई इंक्वायरी नहीं बैठाई? बहुत कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन पता नहीं आज तक कुछ हुआ नहीं इनका, इनका आज तक अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि काफी रसूख वाले रहे हैं। हाँ, ये तो समझ में आता है क्योंकि दो दो मरतबा इनका ट्रांसफर हुआ, फिर ट्रांसफर होने के बाद दोबारा आके ये पोस्ट पे बैठ गए। आपको लगता है कि डायरेक्ट जो हेल्थ मिनिस्टर है उनका इनके साथ में कोई? नहीं, ये मुझे नहीं लगता और ये मेरे लिए बोलना मुनासिब भी नहीं होगा क्योंकि जो चीज मेरे नॉलेज में नहीं है मैं कैसे बोल सकता हूँ। आपका भी वहाँ से ट्रांसफर किया गया था, क्या वजह? ट्रांसफर क्योंकि मैंने इनका पर्दाफाश किया था, इनको एक्सपोज किया था, तो इसलिए मेरा ट्रांसफर इन्होंने करवाया। लेकिन देखिए, ट्रांसफर एक चीज है कि सरकारी नौकरी में ट्रांसफर हो ही सकता है, उससे मैं घबराया नहीं हूँ ना परेशान हूँ। ये जब केस चल रहा था तो जो RG करके रोगी कल्याण समिति के चेयरपर्सन है उन्होंने कहा था कि यहाँ काफी ग्रुप चलते हैं 2-3 जिसका शिकार संदीप घोष को बनाया जा रहा है। नहीं, ये गलत बात है, संदीप घोष खुद करप्टेड आदमी है और वो एक माफिया के जैसा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। अनक्लेम्ड बॉडी की जो बात कर रहे हैं आप, वो क्या बांग्लादेश से कहीं ना कहीं? नहीं, कहाँ जाती थी ये नहीं पता, लेकिन वो इससे बेनिफिटेड होते थे, कुछ करते थे क्योंकि इसके अगेंस्ट में ब्लैक एंड व्हाइट कंप्लेन हुआ था। अगर आप खोज करेंगे तो नेशनल कमीशन का पोर्टल में भी आपको मिल जाएगा, हाई कोर्ट में भी PIL हुआ था। तो जो अभी अक्यूज्ड अरेस्ट हुआ है वो क्या संदीप को जानते थे पहले से? देखिए, मैंने जब उसके फोटो TV में और वीडियो देखा तो मेरे जहन में अचानक से आया कि ये बंदा जो है तो संदीप घोष के अंदर ही काम करता था। तो बस ये जानता था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसको डॉक्टर संदीप घोष के साथ देखा था। 2 साल पहले आप जब वहाँ पे थे सारे एलिगेशंस? 2 साल पहले नहीं, मैं सितंबर 2023 में वहाँ से आया हूँ, 2 साल अभी नहीं हुआ। सारे एलिगेशंस तब के हैं, अब ये इंसिडेंट हुआ है, तो इसमें संदीप घोष का इन्वॉल्वमेंट आपको कहाँ तक लगता है? देखिए, ये जो इंक्वायरी चल रहा है तो इसके लिए मेरा अभी बोलना मुश्किल है क्योंकि ये एक्सपोज होंगे, अगर कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा तो अवश्य एक्सपोज होंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्या आप CBI के पास जाएंगे हेल्प के लिए? देखिए, मैंने कोर्ट को फाइल किया है करप्शन और ये जो स्कैम है इसके अगेंस्ट में, और आज हाई कोर्ट ने उसको रजिस्टर भी कर लिया, कल एडमिशन हियरिंग है। हाँ, मैंने CBI और ED को इंटरवीन करने के लिए कहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा नेक्सस संदीप घोष चला रहे, इसको तोड़ना एक्सपोज करना ज़रूरी है, ये भविष्य के लिए, बच्चों की ज़िंदगी के लिए, ये देश के हित में होगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। हॉस्पिटल से कनेक्टेड तो नहीं है? देखिए, ये मैं चाहता हूँ पर्दाफाश हो, उसके बाद ही मैं कुछ बताऊँगा।